नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए राजधानी सजकर तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में 34 सत्र होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समिट में बढ़ते और बदलते प्रदेश पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगा। बता दें, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। बता दें, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है, वहीं आज पीएम भी शहर में पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? इसका उद्घाटन करेंगे। इस समय हम मुख्यमंत्री आवास पे हैं। थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। अगर हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी जो है ये फोर्स लगी हुई है, शासन प्रशासन बाकायदा तैनात किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से करीब 8:05 में वो प्रस्थान करने वाले कार्यक्रम स्थल के लिए वहां पे जाएंगे। और जिस तरह से आयोजन हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 trillion इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, जो यूपी पूरा होता भी दिख रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां जो है अभी जा रही हैं, तमाम बड़े पदाधिकारी जो है अधिकारी निकल रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी जो है यहाँ से निकलने वाले हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का रौला लगा हुआ है, लगातार यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से गाड़ियां जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है गाड़ियों को काफी उनके साथ जा रहा है, एम्बुलेंस वगैरह का ये अधिकारी जो है उनके साथ लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 का आयोजन हो रहा है। प्रदेश की इकोनॉमी को लगातार बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ये पहला दिन है, आज से जो है शुरुआत होनी है। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं यहाँ से, और धीरे धीरे तमाम बड़े पदाधिकारी और बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आने लगेंगे। आज तकरीबन 9:30 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन लखनऊ में होना है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से गाड़ियों का काफिला जा रहा है। लगातार ये सब बड़े अधिकारी कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री आवास पर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। और अगर बात करें मेरी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो लगातार जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद G20 का आयोजन होना है। उत्तर प्रदेश जो है एक नई ऊंचाइयों को छुएगा इस समिट G20 के बाद से। मयूरी, विवेक, पीएम तो पहुंचेंगे ही शहर, और कौन कौन से दिग्गज आज मौजूद रहेंगे? देखिए, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित रहेंगे, जितने भी कैबिनेट मंत्री है, मिनिस्टर है, वो सब उनकी उपस्थिति यहाँ पे रहेगी। दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति यहाँ पे रहती है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की भी उपस्थिति जो है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रहेंगे। इसके बाद जो अलग अलग विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनके अलावा जो इन्वेस्टर्स है, जो विदेशों से आए हैं, जो घरेलू इन्वेस्टर्स है, वो सब मेहमान जो होंगे, वो निवेशक जो होंगे, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही, दोपहर से ही निवेशकों का आना शुरू हो गया था। विदेशी निवेशक कल दोपहर से ही लखनऊ में आ गए थे, और अलग अलग होटलों में उनकी बुकिंग, जो होटलों में रुके थे, उनका भी दर्शन आज शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इन सबके अलावा नंद गोपाल नंदी, जो औद्योगिक मंत्री है, उनके भाषण से ये कार्यक्रम शुरू होगा। और जिस तरीके अगर बात की जाए इस समिट को, तो काफी भव्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयारी काफी दिनों से कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री जो है सरकार में, जो कैबिनेट मंत्री, बड़े मंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और नंद गोपाल नंदी जो औद्योगिक मंत्री, इनके अलावा जो निदेशक है, वो वहां पे रहेंगे। विवेक, पीएम शहर कब तक पहुंचेंगे, और ये जो उद्घाटन का कार्यक्रम है कब से शुरू होगा?
जी मुख्यमंत्री, मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे, 10-10 दिन का कार्यक्रम लगाया, उसके बाद ये उद्घाटन करेंगे। करीब 10-20 मिनट या 30 मिनट इनका उद्घाटन शुरू हो जाएगा। इसके बाद उनके उद्घाटन के बाद जो नंद गोपाल लंबी और रवि मंत्री है उनका स्वागत, उनके स्वागत भाषण से शुरुआत होगा। फिर 10 मिनट की जो स्पीच होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर 10 मिनट की स्पीच देंगे। उनके बाद देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह 8 मिनट की स्पीच देंगे। और उनके बाद राजनाथ सिंह की स्पीच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो भाषण शुरू होगा। तकरीबन 50 मिनट का इनके भाषण रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मयूरी विवेक, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक बार तस्वीर दिखाएं कि पीछे आपकी कैसे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको बता दें कि किस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री आवास से जो है, मुख्यमंत्री आवास से जो है पुलिस जो है फोर्स लगी हुई है, पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। चाहे चौबंदी अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं, उनके साथ साथ गाड़ियों को काफी ना निकला है, यहाँ पे तमाम बड़े अधिकारी पुलिसकर्मी यहाँ पे उनके साथ निकले हैं। और आप देख सकते कितनी मुस्तैदी से पुलिस यहाँ पे तैनात है, लखनऊ के कोने कोने में चप्पे चप्पे का पुलिसकर्मी तैनात है सुरक्षा के लिए। आपको देखा जाए तो काफी मुस्तैदी पुलिसकर्मी तैनात है। आप दर्शकों को दिखा देता हूँ कि कितनी संख्या में आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है मुख्यमंत्री जाने के बाद भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात और अपने अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। मेरी विवेक, शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, शहर को अच्छे तरीके से सजाया गया है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए ग्लोबल इन्वेस्ट समिट और G20 के लिए लखनऊ के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यह पहली बार है जब लखनऊ में G20 का आयोजन हो रहा है, ये ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है, तो लोगों में खासा इसके लिए उत्साह दिख रहा है। क्योंकि सबको बड़ा उत्साह इस बात के लिए लखनऊ जो है काफी सवर रहा है, काफी सुधर रहा है। हर जगह पे देखा जाए तो फुलवारियां बनाई गई है, फूलों को लगाया गया है, गमलों को लगाया गया है, हर जगह जो पेंटिंग हुई है, काम हुआ है, यहाँ पे सड़कों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं को अच्छा किया गया है, तमाम चीजें हैं। तो लखनऊ सवारा तो लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है, विदेशी मेहमान आएंगे यहाँ पे। अगर पार्कों की व्यवस्था की बात की जाए तो पार्कों को बेहतर किया गया है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो निवेशक है चाहे वो मेहमान जो है घरेलू हो या फिर विदेशी हो, पार्कों में भी घूमेंगे, पार्कों का भी आनंद उठाएंगे। और पूर्वी सरकार में जो पार्क बनाएंगे, जो बड़े पार्क है, लोहिया पार्क हो गया, अम्बेडकर पार्क हो गया, फिर जलेसा मिश्रा पार्क हो गया, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, सबको बेहतर तरीके से बनाया गया है, ताकि यहाँ पे आके जो निवेशक है, विदेशी मेहमान है, जो मेहमान निवेश करने आ रहे हैं यहाँ से देश विदेश, वो घूमे, वो इसका लुत्फ लगाए, लुत्फ उठाए। उसके बाद हम अगर बात करें तो जो मेहमान है वो लखनऊ की प्राचीन विरासत, प्राचीन धरोहर, उसका भी रूमी गेट हो गया है, रेसिडेंसी का इमामबाड़ा, इसके भी वो दर्शन करेंगे, इसके भी दर्शन करेंगे, यहाँ भी जाएंगे, घूमेंगे, और इमामबाड़ा लखनऊ के इतिहास से चोरी भरी होंगे, स्पर्शित होंगे। विवेक, अगर देखा जाए तो अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, तो सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो ट्रैफिक को लेकर होती है, तो क्या कुछ रूट डायवर्जन किया गया है को लेकर। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था, कुल 8 जगहों पे जो है वो डायवर्जन लगाए गए हैं, और 2 दिन पहले ही जो लखनऊ की जनता है उसको आगाह कर दिया गया कि इस तरीके से रूट डायवर्जन रहेंगे, और खुद ही जनता को वैकल्पिक मार्ग ढूंढने के लिए कह दिया गया था। इसके बावजूद जो है ट्रैफिक पुलिस हर चप्पे पर मुस्तैद है कि किसी प्रकार की जो है अवस्थाओं का सामना किसी को न करना पड़े, ज्यादा जाम की स्थिति से निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद है, और कई जगहों पर जो डायवर्जन लगाया गया, इसलिए लगाया गया ताकि ट्रैफिक जो है, हमने हर बार देखा है कि अगर इसके पहले जब इकाना में मैच हुआ था भारत और न्यूजीलैंड का, तब ट्रैफिक की व्यवस्था हमने देखी थी किस तरीके से लगातार जाम जो है साइड पर लगा था, तो साइड पर से काफी पेट्रोलिंग बाहर भी गई है ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की या फिर पुलिसकर्मियों की, ताकि जाम की स्थिति से जल्द निजात पाया जा सके और घंटों तक जाम का सामना किसी को न करना पड़े। मेरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।